अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी, अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया, अटकन मटकन अटकन मटकन। अंतराज संडे है। सैटरडे। अरे अंतरा, आज मैं डे चेंज करना भूल गया था। आज संडे है। मैं अभी कर देता हूँ। आज संडे है, स्कूल छुट्टी। आज संडे है, स्कूल छुट्टी। अंतरा, तू अपने कपड़े बदल ले, हम नीचे खेलने जाते हैं। अभिषेक, अभिषेक, ये क्या यूनिफॉर्म? जी, संडे है और मैंने बोर्ड पे संडे लिख दिया है। मैडम तो तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए। सॉरी बेटा, आज मैं बोर्ड पे संडे लिखना भूल गया। मेरी वजह से तुम्हें छुट्टी के दिन स्कूल के लिए तैयार होना पड़ा। संडे है, स्कूल छुट्टी। हाँ, आज छुट्टी है। अंतरा खेलने जाना, अंतरा खेलने जाना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अब तुम्हारा हर काम मिनट के हिसाब से चलता है और हर संडे को तुम ठीक 8 बजे खेलने जाते हो। हे भगवान। भाभी जी, मैं बाद में ले लूंगा। ये गुप्ता जी कब तक आएंगे? कहा तो 10 मिनट था पर 2 घंटे हो गए। अरे यहाँ खड़े खड़े थक गई हूँ मैं। इस उम्र में तो ऐसा ही होता है। किस उम्र में, किसके लिए कह रहे हो? अपने लिए, मेरे लिए? अरे आप तो बुरा मान गई। बुरा बोलोगे तो बुरा मानूंगी ना। वैसे भाभी जी, एक बात बताऊ, आपको देख के लगता नहीं कि आपका बिल्लू जैसे इतना बड़ा बेटा होगा? अब ठीक कहा आपने, सब यही कहते हैं। अच्छा, आप एक काम करिए, आप घर जाइए, मैं सारा सामान घर में पहुंचवा दूंगी। ठीक है, ठीक है बाबा। ये बिल्लू कहाँ रह गया? बिल्लू, ओ बिल्लू,
बच्चा। माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ अभी नहीं हुआ है, और बच्चे तो माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और तू इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा तो फिर लोग मुझे भी बड़ा कहने लगेंगे ना। और तू ये क्या मामा लगा रखा है? बेटा मम्मी बोल, मम्मी अच्छा लगता है। ठीक है मम्मी। अच्छा ले जल्दी से लिस्ट पकड़ और कस्टमर के घर सारा सामान पहुंचा। अरे मम्मी मैं इतने छोटे छोटे कामों के लिए नहीं आऊँ, मैं तो आऊँ बड़े कामों के लिए, बड़े। ये लो आपसे जो पिछले हफ्ते 500 रुपए लिए थे उसका इंटरेस्ट। अरे एक हफ्ते में 10% का फायदा? अभी 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40। मम्मी आप बस गिनते जाओ, जो आपने सोचा वो तभी पूरा होगा जब आप हर हफ्ते पैसे इन्वेस्ट करती रहोगी। लाओ इस हफ्ते के 500 रुपए। अरे तो 500 नहीं 1000 ले ले। 1000 नहीं मम्मी, पैसे धीरे धीरे लगाएंगे तो ही फायदा होगा। सचमुच कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। ये ले। और अभिषेक क्या सोच रहा है तू? ऐसे कैसे करता है? 50 रुपए देता है और 500 रुपए लेता है, और आंटी कुछ नहीं बोलती? मुझे तो कुछ समझने नहीं आता, तू ऐसा करता क्यों है? देख अभिषेक, सब पैसा लगाने से पहले फायदे की सोचते हैं, और मैं पहले ही प्रॉफिट दे देता हूँ। कैसे? अभिषेक तेरी बैटिंग आ गई। अभी किसी को नहीं खेलने देगी। अगर हमारे साथ खेलना है तो अंतरा से बोल किनारे बैठ जाए। छोड़ ना, तू अपनी पागल बहन के साथ ही खेल ले। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अब यहाँ से उठना मत, समझे तुम? अंतरा बैठो। अंतरा ये ले, आजा आजा अंतरा, आजा अंतरा, आ अंतरा। अरे देखो देखो अंतरा गिर गई। ओए रुक, जो भागेगा वो पिटेगा। किसने किया है रोहित? मैंने नहीं किया। तू बता किसने किया? तू? मुझे नहीं पता बिल्लू भाई। मैं? तू? नहीं। सच सच बता रोहित किसने किया? मेरे को नहीं मालूम।
मित्रा तू बता इसने क्या ये स्ने अंतरा बोलती क्यों नहीं तू? तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे बता इसने मारा अंतरा को मुझे नहीं अंतरा को बोलो सॉरी अंतरा अब तो छोड़ दो सॉरी भी बोल दिया अंतरा ने माफ नहीं किया सैंडल साफ करो ठीक से करो फिर कभी अंतरा को परेशान किया ना तब तक पीटूंगा जब तक अंतरा माफ नहीं करती समझे अब तू थैंक्स मत बोलना यार अंतरा के लिए तो करना ही था थैंक यू बोल देता तो क्या बिगड़ जाता तो लगता था कि शास्त्रीय संगीत सुनाने वाले इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मैं गलत था बड़ी मुश्किल से 2 टिकटें मिली आज शाम 4 बजे कुबेर हॉल शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम है चलो छोड़ो आदित्य मेरा मन नहीं है मन तो मेरा भी नहीं वैसे भी शास्त्रीय संगीत यहां किसको समझ में आता है लेकिन अगर तुम साथ चलो तो तुम्हारे साथ बैठ तुम्हें शास्त्रीय संगीत पर गुनगुनाते और मुस्कुराते देखने के लिए मैं तैयार हूं ये मेरी अभिलाषा है नहीं आदित्य आज नहीं फिर कभी चलेंगे पापा आज से अंतरा मेरे साथ खेलने नहीं जाएगी क्यों क्या हुआ क्योंकि वो हमेशा बीच में आकर सारा खेल खराब कर देती है सब बच्चे मुझसे कहते हैं हमारे साथ खेलना है तो अंतरा को मत ला अंतरा बेटा वो किसी की नहीं सुनती दूसरी ले लो नहीं 4 अंतरा जिद मत करो पहले इसे खाओ 4 आदित्य जब तक उसकी प्लेट में 4 इडली नहीं होगी वो एक भी नहीं खाएगी अभिषेक क्या हुआ तुम्हें तुम खा क्यों नहीं रहे हो मुझे नहीं खानी है इडली क्यों
तुम्हें इडली बहुत पसंद है? पापा, हम अंतरा की तरह एक चीज रोज रोज नहीं खा सकते ना। उसके लिए तो हर दिन एक जैसा होता है। अभिषेक, हम सबका भी तो हर दिन एक जैसा ही होता है ना। तुम रोज स्कूल जाते हो, पापा रोज ऑफिस जाते हैं। हाँ, पर उसकी तरह हम लोग टाइम टेबल से तो नहीं चलते ना। अभिषेक, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अंतरा को कुछ भी सीखने में वक्त लगता है। हाँ, पर इसकी वजह से मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं खेलते, मुझे नहीं खाने। अभिषेक, ठीक भी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता। लेकिन एक बात बताऊं अभिषेक, नाराज होने से कभी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। मुझे पता है, पर अंतरा की वजह से मेरे दोस्त भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। मैंने सबको बताया पर सब हंसने लगते हैं। ना वो समझते और ना ही अंतरा समझती है। देखो अभिषेक, ऐसा होगा कि तुम्हारे सारे दोस्त अंतरा पर हंसेंगे और तुम्हें तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा कि अंतरा तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अंतरा जिद करे और तुम्हें डर लगे। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि अंतरा की गलती की सजा तुम्हें मिले। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अंतरा तुम्हारी बहन है। और जानते हो, भगवान ने अंतरा को तुम्हारी ही बहन क्यों बनाया? क्योंकि तुम दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बहादुर भाई हो और तुम्हें अंतरा का हमेशा साथ निभाना है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अंतरा का ख्याल रखोगे। रखोगे ना?